अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद अहमद और आप देख रहे हैं साश रिकॉर्ड्स। आज हम आपको ऐसी ज़मीन के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताने जा रहे हैं जिसे सोने की ज़मीन भी कहा जाए तो गलत ना हो। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, हम मगरबी एशिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क कुवैत की बात कर रहे हैं जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी में उससे दौलतुल कुवैत कहा जाता है। इस जजीरा नमा मुल्क का नाम अरबी लफ्ज कोत से आया है। कोत उस कले को कहा जाता है जो पानी के किनारे तमीर हो। इसका दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है। इस जजीरा नमा मुल्क का शुमार नहायत छोटे ममालिक में होता है। इसके आसपास तकरीबन 9 जजीरे पाए जाते हैं। कुवैत को 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत कितना कदीम है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन किताबों में इसका जिक्र 5000 कबल मसीह में मिलता है। 1890 में कुवैत को तुर्की से खतरा महसूस हुआ तो कुवैत के अमीर मुबारक अल सबा ने बरतानवी गवर्नमेंट से मदद लेते हुए एक माहिदा किया जिसे एंग्लो कुवैती एग्रीमेंट 1819 कहा जाता है। इसके बाद 1934 में पहली बार कुवैत में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 1946 में कुवैत ने पहली बार दूसरे ममालिक को तेल बेचना शुरू किया। तेल के ज़खायर दुनिया में आज भी छठे बड़े ज़खायर माने जाते हैं। 1946 से 1982 तक कुवैत के इस दौर को गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इस दौरान कुवैत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। 1961 में कुवैत को एहसास हुआ कि बरतानिया इन पर ज़्यादा ही गालिब आता जा रहा है, इसलिए उन्होंने बरतानिया से तमाम माहदे ख़त्म करते हुए आज़ादी का ऐलान किया। आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा कुवैत के पहले अमीर बने। इनके कानून के मुताबिक आगे आने वाला हर अमीर मुबारक अल सबा की नस्ल से होगा। इस तरह कुवैत पहला खलीजी मुल्क बना जहाँ बादशाह के अलावा आइन भी मौजूद है और पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे भी। कुवैत की कुल आबादी 4.2 मिलियन यानी 42 लाख के करीब है। कुवैत की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशत में से है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है जो कि 2022 में पाकिस्तानी 714 रुपये और इंडियन 260 रुपये बनती है। कुवैत का सालाना GDP 303 बिलियन डॉलर है जबकि पर कैपिटा इनकम यानी कि कुवैती नेशनल की इनकम 67,000 डॉलर है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 48,60,07,646 रुपये बनती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुवैती औरतें दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन में शामिल हैं। इनका कौमी लिबास अबाया है। दुनिया भर की दौलत के बावजूद आज भी कुवैती लोगों ने अपनी रवायात को नहीं छोड़ा। कुवैती मर्दों में 2 शादियां आम हैं। यहाँ दूसरी बीवी ज़्यादातर पहली बीवी की दोस्त होती है। पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी नहीं होती और दूसरी बीवी को पहली बीवी ही पसंद करती है। दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कुवैत अपनी ज़मीन से निकलने वाले तेल को 40% खुद रखता है और 60% दूसरे ममालिक को बेचता है। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि कुवैत में तेल निकालने का काम दुनिया में ज़्यादा सस्ता है क्योंकि यहाँ तेल निकालने के लिए ज़्यादा गहरा नहीं खोदना पड़ता। कुवैती लोग बाज पालने के बहुत शौकीन हैं और इनकी करेंसी पर भी बाज बना हुआ है। आपको ये बात सुनकर भी हैरानगी होगी कि बाज को रखने के लिए आपको यहाँ गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है जो कि सालाना $10,000 का पड़ता है। कुवैत के क्लाइमेट की बात करें तो कुवैत का शुमार दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में होता है। यहाँ पर पारा 55 सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है। यहाँ की ज़मीन बंजर है। पीने का साफ पानी समुंदर के पानी को फिल्टर करके ये इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये सुनकर भी आप हैरान होने जा रहे हैं कि कुवैत में फी लीटर पानी की कीमत फी लीटर पेट्रोल से भी महंगी है। कुवैती नेशनल्स दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज के शेयर्स के मालिक हैं जिनमें मर्सिडीज भी शामिल है। कुवैत में अब भी शराब पर सख्त पाबंदी है। यहाँ पर शराब पीना और बेचना दोनों ममनू है। अगर आप इन हालत में पकड़े गए तो कुवैती कानून के मुताबिक आपको उम्र कैद होगी। कुवैत शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती। कुवैत की सबसे ऊंची इमारत अल हमरा टावर है जो कि 2011 में मुकम्मल की गई। ये
1318 फीट ऊंची है। इसकी कुल लागत $500 मिलियन है। कुवैत में मर्दों की तादाद खवातीन से ज़्यादा है। कुवैत में बंजर जमीन होने की वजह से ये अपने फल और सब्जियाँ दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।